मित्रों, किसी जंगल में एक डाकू रहता था। वो लोगों से लूटपाट करता था। एक दिन जंगल में एक संत अपने साथियों के साथ गुजर रहे थे। डाकू ने जब उन्हें देखा तो उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ। जाने कितनों को मैंने लूट कर दुखी किया है और उनके घरों को तबाह किया है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इस बुराई से बच सकूँ। मित्रों, संत ने डाकू से कहा कि तुम बुरे काम करना छोड़ दो, इससे तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। डाकू ने संत से कहा, ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूंगा कि अब मुझसे कोई गलत काम ना हो। कुछ दिनों बाद डाकू फिर संत से मिला और बोला कि मैंने बुराई को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। अपनी आदत से मैं लाचार हूँ, मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए महात्मा। मित्रों, संत ने थोड़ी देर सोचा और फिर वो बोले, अच्छा, ऐसा करो कि तुम्हारा जो भी करने का मन करे वो करो, लेकिन बाद में उसे लोगों को बता दो। डाकू को संत की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है, जो भी बुरे काम करो उसे दूसरे के सामने जाकर कहना ही तो है। कुछ दिनों बाद डाकू फिर से संत के पास आया और बोला, हे महात्मा, आपने मुझे जो काम बताया था वो सुनने में बहुत आसान लगा, लेकिन करने में बड़ा कठिन निकला। संत ने पूछा, वो कैसे? डाकू ने बताया कि अपनी स्वयं की बुराई लोगों के सामने करना और लोगों से आपसे घृणा करना, ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि अब से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसे बताने में मुझे बड़ी कठिनाई हो। मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसे लोगों को बताने में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐसा करने से समाज में हमारा मान सम्मान कम होता है और हम घृणा के पात्र बनते हैं।